मध्य प्रदेश से शिवराज की हुई छुट्टी, मोहन यादव की राह हुई आसान। मामा को मध्य प्रदेश में नहीं रखना चाहती थी बीजेपी। शिवराज को अब मिल सकती है तेलंगाना की जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान की पहले मध्य प्रदेश के सीएम पद से विदाई हुई और अब उनकी प्रदेश से पूरी तरह से छुट्टी कर दी गई है। उन्हें मध्य प्रदेश से हटाने का बीजेपी का जो प्लान सामने आ रहा था, अब उसे अमल में भी लाया गया है। शिवराज को भोपाल से हटा दिया गया है और इसका नजारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यक्रम में दिखाई दिया, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता पहुंचे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल नहीं हुए। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी बीजेपी हाईकमान को ही माना जा रहा है। हाईकमान नहीं चाहता था कि शिवराज इस कार्यक्रम में जाएं, इसलिए जिस कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक पहुंचे, उस कार्यक्रम से शिवराज दूर रहे, जिस कारण से ग्रुप फोटो में भी शिवराज सिंह चौहान शामिल नहीं हो पाए। चर्चा चल रही है कि शिवराज को होर्डिंग्स के बाद अब विधायकों के फोटो से भी हटा दिया गया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान का एक बयान इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे आपके चरण कमल के समान हैं, अब पद पर नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सिर से सींग गायब। पहले होर्डिंग से गायब हुए और अब विधायकों के फोटो फ्रेम से भी उन्हें गायब कर दिया गया है, और इसके पीछे बीजेपी हाईकमान को ही मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी हाईकमान ये पहले ही साफ कर चुकी थी कि मध्य प्रदेश में अब नए नेतृत्व के साथ चलना है, और इसीलिए सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान से सीएम पद छीना गया। जबकि कांग्रेस के नेता भी ये स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो जीत मिली वो पीएम मोदी के चेहरे पर नहीं, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना और उनके चेहरे पर मिली थी, नहीं तो प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में आना तय माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस और सत्ता के बीच शिवराज की लोकप्रियता सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। कांग्रेस ने भले ही शिवराज को जीत का श्रेय दिया, प्रदेश की जनता ने भी शिवराज को ही सीएम बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया कि शिवराज को वो सीएम नहीं बनाएगा। वैसे कहा जाता है कि शिवराज की कुर्सी इसीलिए गई क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हो गए थे। खासतौर पर उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की, जैसे उन्होंने नर्मदा के तट पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनवाई जिसकी तुलना गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति से की गई, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जवाब में उज्जैन में महाकाल लोक बनवाया हो, शिवराज पीएम मोदी से बड़ी लकीर खींच रहे थे, जिस कारण से उन्हें किनारे लगा दिया गया और अब उन्हें मध्य प्रदेश से भी हटा दिया गया है। सीएम पद से हटाने के बाद शिवराज को भोपाल से भी दूर भेज दिया गया है। जिस समय लोकसभा अध्यक्ष भोपाल में थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद में थे। पार्टी के निर्देश पर उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा। दरअसल पार्टी नहीं चाहती कि शिवराज के बयान और उनकी लोकप्रियता का असर मोहन यादव सरकार के कामकाज पर पड़े, इसलिए उन्हें दक्षिण भारत भेज दिया गया है। लेकिन शिवराज समर्थ को कहना है कि पार्टी अगर शिवराज की लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाती है तो उसे ही नुकसान हो सकता है। फिलहाल बीजेपी को फायदा हो या नुकसान, हाईकमान ये तय कर चुका है कि शिवराज की जरूरत अब मध्य प्रदेश में नहीं है। और अब जिस तरह से शिवराज को तेलंगाना भेजा गया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिवराज तेलंगाना के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्दी अपनी टीम में फेरबदल कर सकते हैं और शिवराज को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। वैसे जेपी नड्डा कार्यकाल भी अब ज्यादा दिन का नहीं बचा है, सिर्फ लोकसभा चुनाव कराने तक का उनका कार्यकाल है। लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा भी पद से हट जाएंगे। ऐसे में शिवराज का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सवालों में बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।